हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। टैली प्राइम के अंदर सबसे आसान काम जो है, अब ये टैली प्राइम का एडिट लॉग वर्जन है और इसमें भी सबसे आसान काम जो टैली प्राइम में बना दिया गया है वो है पेरोल की एंट्री। पेरोल यानी कि पूरी सैलरी की डिटेल आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, ऑटोमेटिक कैलकुलेट ये कैसे करेगा, यही चीज जो है क्या कहलाता है, पेरोल कहलाता है। यानी सैलरी के अंदर आपकी बेसिक सैलरी, टीए, डीए, एचआरए, इसके अलावा जो आपका पीएफ कटता है वो, तो ये तमाम चीजें एक साथ कैलकुलेट होकर कैसे आएंगी, ये अपने आप कैसे कैलकुलेट हो जाएंगी, यही चीज जो है टैली में बहुत आसान बना दी गई है टैली प्राइम के इस वर्जन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें पेरोल को एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये देखिए ये पेरोल मास्टर नीचे आपको अगर एक्टिवेट नहीं मिलता तो डबल क्लिक करिएगा, ये एक्टिवेट होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें करनी है। पहले एम्प्लॉय की कैटेगरी बनानी है, फिर ग्रुप बनाना है, फिर एम्प्लॉय बनाना है, तमाम ये काम आपको करने हैं। अब ये कैसे होगा, किस तरीके से करेंगे, तो हमें जाना होगा क्रिएट ऑप्शन पर। तो ये क्रिएट ऑप्शन पे आए और मान लीजिए कि आप एम्प्लॉय का कैटेगरी बनाना चाहते हैं, तो पेरोल मास्टर के अंदर पहला ऑप्शन मिलता है आपको एम्प्लॉय के कैटेगरी का। तो कैटेगरी जो है यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, तो ये हो गया मैनेजमेंट और एंटर करेंगे। अब देखिए मैनेजमेंट ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, यानी ये पहले से मौजूद है, हमने कोई कैटेगरी पहले से बना रखी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कैटेगरी बना लेंगे और कैटेगरी बना करके उसे एक्सेप्ट कराएंगे। अगर आप ग्रुप बनाना चाहें तो ग्रुप भी बना सकते हैं। फिलहाल चलते हैं एम्प्लॉय की तरफ और यहाँ युवराज के नाम से एक एम्प्लॉय बनाते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए अगर आपने कैटेगरी बनाया है तो एक बार आपको स्पेस बार प्रेस करना है, और सॉरी ग्रुप अगर बनाया है तो एक बार आपको स्पेस बार प्रेस करना है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर कैटेगरी बनाई है तो यहाँ पर भी एक बार स्पेस बार प्रेस करना है। तो देखिए ये मैनेजमेंट वाला कैटेगरी दिख रहा है ना, जो दिखा रहा था ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यहाँ पर ये मैनेजमेंट मैं कर देता हूँ। तो युवराज है मैनेजमेंट के, और सैलरी इनको कब से देनी है, तो जब से ज्वाइन किया होगा तब से देनी होगी। तो मान लीजिए कि इनकी ज्वाइनिंग जो है किसी डेट पे हुई होगी तो वो डेट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1/7/2023 कर देता हूँ। ठीक है, 24 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 23 ही मैंने रख रखा है। और यहाँ पे सैलरी की डिटेल को डिफाइन करना बहुत आवश्यक है। तो देखिए बेसिक सैलरी मैंने बना रखा है, पहला जो बनाएंगे तो यहाँ क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे और क्रिएट ऑप्शन पे जाके बेसिक सैलरी नाम दे देंगे और ये फिक्स्ड ही रहेगा। ठीक है, ये पहले से मैंने बना रखा है। तो देखिए ये एंट्री करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मान लीजिए कि इनकी सैलरी है 50,000 रुपये, तो यहाँ पे 50,000 डाल दिया, बेसिक सैलरी हो गई। डीए ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, टीए भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे टीए भी हो गया। यहाँ पे प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ जो है ये भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, ओवरटाइम भी ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट होगा। तो 500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से कर देते हैं, ये 500 रुपये कर देते हैं इसको, तो ये हो गया। अब ये सारी चीजें हो गई, अब इनका ये जुलाई का डिटेल बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे जो भी इनका एम्प्लॉई नंबर होता होगा वो सारी डिटेल भरते हुए आगे बढ़िएगा, और इनका पैन नंबर वगैरह सब देना होता है। तो फिलहाल मैंने स्किप किया है और इसे एक्सेप्ट करा लेना है। अब एक्सेप्ट करा लिया तो अब ये दिखेगा कैसे, तो यहाँ से पहले बाहर आएंगे, बाहर आ गए, अब हम एंट्री करेंगे। एंट्री कैसे करेंगे, तो पेरोल वाउचर में जाना होगा, तो वी बटन प्रेस करेंगे वाउचर में जाने के लिए, और यहाँ से अदर वाउचर में पहले आएंगे हम, किस में हम आएंगे, अटेंडेंस में। तो यहाँ पे इनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड करनी बड़ी जरूरी, तो यहाँ पे युवराज की अटेंडेंस रिकॉर्ड करते हैं। ये जो है कुल मिलाकर के इन्होंने कोई अगर ओवर टाइम किया होगा तो उसकी भी डिटेल, और यहाँ पे देखिए लीव नाम से बना रखा है। तो यहाँ पे मान लीजिए 6 दिन ये छुट्टी पर है तो 6 दिन की सैलरी इनकी कटेगी। ठीक है, लीव विदाउट पेमेंट है तो इसको एक्सेप्ट कराते हैं, ये एक्सेप्ट करा लिया, और एक्सेप्ट करा के और फिर क्या करना है, फिर यहाँ से वाउचर में आना है, पेरोल वाउचर में चले जाना है। तो यहाँ पे अदर वाउचर और फिर यहाँ पे आपको मिल जाता है पेरोल। ठीक है, तो यहाँ से पेरोल में चले जाइएगा, कंट्रोल F4 भी प्रेस कर सकते हैं, ये आ गए। अब ये सिंगल एंट्री मोड में है हम, और यहाँ से आप कैश कर सकते हैं या किसी बैंक के माध्यम से जा सकते हैं। जैसे बैंक के माध्यम से जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये बैंक में जो है सैलरी जो है इनको कंपनी के बैंक अकाउंट से जो है मिलेगी, तो वो बैंक अकाउंट यहाँ पर आएगा डिटेल। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ऑटो फिल पे क्लिक करना है। यही वो फीचर है जो टैली में पेरोल के एंट्रीज को काफी आसान बना देता है। तो आपको कंट्रोल के साथ F प्रेस करना है, जैसे ही प्रेस करेंगे तो पेरोल ऑटो फिल आएगा।
तो यहाँ पर आप ऑटो फिल करना है और यहाँ पे यूजर डिफाइन दिया गया है, वैसे सैलरी कर देते हैं हम, और ये हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे मैनेजमेंट रखेंगे और मैनेजमेंट में युवराज रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये युवराज हो जाएगा। और बाकी इम्प्लॉय नेम के हिसाब से हम सैलरी देंगे, और यहाँ पर हम सेंट्रल बैंक से सैलरी दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये पूरी डिटेल आपको दिखेगी। अब चूंकि सैलरी इनकी बेसिक सैलरी 50,000 थी, लेकिन समस्या ये है कि ये एब्सेंट रहे हैं, तो एब्सेंट की सैलरी कटेगी, बाकी प्रोविडेंट फंड भी इनका कटेगा कुछ ना कुछ, तो वो तमाम चीजें होंगी, और बाकी टीए मिलेगा, डीए मिलेगा, ये सारी डिटेल होंगी। तो इसके बाद कंट्रोल ए कर देंगे। अब देखते हैं कि इसका जो पेस्लिप है वो कहाँ से जनरेट होगा। तो पेस्लिप देखने के लिए हमें कहाँ आना होगा, यहाँ पर आना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर, और यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ से हमें जाना होगा ये, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दिया गया ना पेरोल रिपोर्ट, नीचे यहाँ पर आना होगा और यहाँ पे पेस्लिप आपको दिखेगा। तो यहाँ पर मैनेजमेंट कर देंगे और यहाँ पे युवराज कर देंगे, तो ये इनकी पेस्लिप है। और कुल मिला के इनकी ये इस तरीके से आपको जो है सैलरी स्लिप जनरेट होती हुई नजर आएगी। अल्ट की कीजिएगा तो ये प्रिंट भी हो जाएगा सैलरी स्लिप आपका। और इसका प्रीव्यू देखना चाहेंगे तो यहाँ से आई बटन प्रेस करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक लोगो भी छोटा सा मैंने लगा रखा है कंपनी का, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको पूरा डिटेल में समझते हैं कि ये किस तरीके से होगा। एक नई कंपनी बना करके हम जाएंगे उसके थ्रू, और तब समझेंगे कि ये सारी चीजें कैसे होंगी, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, कैसे है, एक आउटलाइन स्ट्रक्चर। अब देखिए ये होगा कैसे, पूरा डिटेल इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक नई कंपनी हम बनाते हैं, तो नई कंपनी बनाने के लिए आपको केवल F3 प्रेस करना है टेली प्राइम में, और यहाँ से जाएंगे क्रिएट कंपनी पर, और क्रिएट कंपनी पर जाने के बाद एंटर करेंगे। और जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारे सामने एक नया फॉर्म आता है, तो यहाँ पे मैं पेरोल ही नाम दे देता हूँ इसको, पेरोल सैलरी, पेरोल सैलरी के नाम से ये कंपनी हम बना रहे हैं। और यहाँ पर एड्रेस आएगा तो लोकल एड्रेस वही न्यू कॉलोनी देवरिया कर देते हैं, ये न्यू कॉलोनी देवरिया हो गया, एंटर करेंगे। यहाँ पे स्टेट आएगा उत्तर प्रदेश हमारा, और यहाँ पे पिन कोड जो है 274001 हो जाएगा, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने के बाद सबसे पहला काम कि इसमें पेरोल को चालू करना है, तो पेरोल यहाँ पे देखिए ये दोनों ही चीजें यस है, तो ऑलरेडी हमारा पेरोल चालू है, कंट्रोल ए कर दीजिए, काम हो गया। अब सबसे पहला काम कि कंपनी में फंड होना चाहिए, तो यहाँ से जाके वाउचर पे जाएंगे, और वाउचर पे जाके कहाँ जाना है, हमें सीधा चले जाना है रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में आते हैं तो यहाँ पर क्रेडिट आपको दिखाई देता है, तो कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल कहलाता है, तो यहाँ पे आप कर दीजिएगा कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। और यहाँ से क्या करेंगे, अंडर कैपिटल अकाउंट ये आ जाएगा। मान लीजिए कंपनी में आप फंड लगा रहे हैं, तो वो लगा रहे हैं 6,00,000 रुपये, 7,00,000 रुपये, जो भी लगा रहे हैं वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, एंटर करेंगे। ये जो है अब बैंक से आएगा या कैश आएगा, तो यहाँ पे एक बैंक बनाएंगे हम, तो जैसे मान लीजिए हमने बना लिया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये जाएगा अंडर बैंक अकाउंट, किसमें जाएगा, अंडर बैंक अकाउंट जाएगा। और यहाँ पर फिर जो है बैंक अकाउंट का नाम जो नंबर है वो यहाँ पे आएगा, तो जो बैंक अकाउंट का नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, एंटर करिएगा, बाकी IFSC कोड वगैरह जो भी आता हो, और बाकी ब्रांच का नेम वगैरह सब भर दीजिएगा, चेक की डिटेल वगैरह भी भर सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराता हूं मैं। तो ये हो गया, तो ये बैंक से जो है ऐसे जाएंगे, और यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पर 31 मार्च 2024 पड़ा हुआ है, तो इसके वजह से ये दिक्कत है। एक बार हम कंपनी जब बना रहे थे तो उस वक्त हमें चेक करना होगा कि वहाँ पर कुछ गलती तो नहीं हो गई है, तो F3 करके और यहाँ से कंपनी को अल्टर कर लीजिए और देख लीजिए फाइनेंशियल ईयर वाला सिचुएशन। तो 1 अप्रैल कोई हमारा ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे तो सब कुछ सही नजर आ रहा है, तो बाहर आकर के और आप क्या करेंगे, यहाँ पे बी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे F2 करके 1/4/2024 कर लेंगे। अब जब एंट्री करेंगे तो ये आसानी से पास भी हो जाएगा, और यहाँ पे करंट पीरियड देख लेंगे, अगर फिर भी नहीं होता है तो Alt F2 करके, तो यहाँ से पहले बाहर आएंगे और Alt F2 करते हैं आप, और देखिए यहाँ पे 2023-24 पड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये दिक्कत है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 कर देंगे फाइनेंशियल ईयर, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए डेट अभी भी 31 मार्च 2024 ही शो कर रहा है, तो यहाँ से F2 करके 1/4/2024 कर लीजिएगा, तो ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं वापस वही काम कि यहाँ पे जो भी पैसे हैं रुपए हैं उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कराएंगे, और यहाँ पे SBI बैंक के थ्रू ये जाएगा, बाकी की डिटेल यहाँ पे आएगी और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, तो ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि कैश में ही सैलरी प्रोवाइड करनी हो तो कैसे करेंगे, एक सवाल ये भी बन जाता है। जैसे बैंक से तो मैंने दिखा दिया अभी,
चलिए यहाँ से आ जाते हैं सीधा कहाँ पेरोल वाउचर में, तो ये आ जाते हैं अदर वाउचर में, और अदर वाउचर के बाद यहाँ देखिए पेरोल दिखाई पड़ेगा आपको, लेकिन फिलहाल हमें बनाना है अटेंडेंस। तो ये अटेंडेंस पे आते हैं और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे, पहला काम कि यहाँ पर हम एम्प्लॉय क्रिएशन करेंगे। तो एम्प्लॉय क्रिएशन कैसे होगा, यहाँ पर एंटर करके नीचे आएंगे, और जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर एब्सेंट दिखता है हमें, लेकिन हमें फिलहाल एब्सेंट से कोई मतलब ही नहीं है। हम आते हैं क्रिएट पर और एक नया एम्प्लॉय बनाएंगे। जैसे यहाँ पर रितेश नाम से एक एम्प्लॉय बनाते हैं, एंटर करते हैं, और ये किस ग्रुप के हैं, तो ग्रुप तो हमने फिलहाल यहाँ पे बनाया ही नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पे प्राइमरी ही रख के आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 1 अप्रैल से सैलरी मतलब इनकी ड्यूटी चालू होती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। और यहाँ पर देखिए ये बेसिक सैलरी, डीए, पीएफ, टीए, ये सब मैंने ऑलरेडी बना रखा है। बनाना बहुत आसान है, मैं दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। यहीं से आप बना सकते हैं, जैसे ही इसको डिफाइन करेंगे ना, तो यहाँ से क्रिएट पे जाके बेसिक सैलरी बना सकते हैं आप। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ ये बना कैसे है। ठीक है, देखिए यहाँ से पहले बाहर आते हैं और इससे भी बाहर आ जाते हैं, और अब अल्टर पे जाके दिखाता हूँ कि ये कैसे बना है। तो नीचे आते हैं और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आते हैं तो पे हेड दिखाता हूँ एक एक। ये देखिए बेसिक सैलरी बनाया, और यहाँ इसे अर्निंग फॉर इम्प्लॉयज रखा, इसे फिक्स ही रखा है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत रखा है। नेट सैलरी है, ये यस है, बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑन अटेंडेंस रहेगा, यहाँ पे अटेंडेंस लीव विथ पे दिया है, तो इसको मैंने जो है लीव विथ पे नहीं किया है, लीव विदाउट पे हम करेंगे, तो यहाँ पे लीव नाम से बना दिया है, और ये मंथली कटेगा। बाकी सारी चीजें आप देख ही सकते हैं, सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, तो ये एक बना लिया। फिर डीए बना लिया, तो डीए किसके आधार पे कैलकुलेट होगा, तो जो है डीए को भी फिक्स रखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखा है, और ये किसके आधार पे कैलकुलेट होगा देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे जो है कंप्यूटेड वैल्यू रखा है, और जो करेंट अर्निंग है हमारी उसी में से ये जो है डीए भी मिलेगा, यानी सैलरी बेसिक सैलरी जितनी होगी उसके हिसाब से, अगर सैलरी 15,000 तक है तो 1% का जो है यहाँ पे डीए मिलेगा, और अगर 15,000 से ज्यादा है तो 2% का मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ये हमने बता दिया। ठीक है, तो ये डीए की सिचुएशन है। पीएफ क्या है, तो पीएफ हमारा जो है डिडक्शन होता है, डिडक्शन के बाद ये हमें मिलता भी है, तो यहाँ पे पीएफ मैंने रखा है। और यहाँ पे क्या रखा है, एम्प्लॉयज स्टेटरी डिडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये डिडक्शन कर दिया, और यहाँ पे पीएफ अकाउंट नंबर यहाँ पे आएगा, और इसे करेंट लाइबिलिटी के अंदर रखना है। नेट सैलरी अफेक्टेड यस किया है, बाकी की चीजें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटेड वैल्यू जब हम करेंगे तो किस किस हिसाब से कटेगा, 15,000 तक रहेगा तो 10% पीएफ कटेगा टोटल सैलरी का, और 15,000 से अधिक रहेगा तो 15% कटेगा, ये दे करके हमने इसे एक्सेप्ट कराया है। देखिए ये एक्सेप्ट करा लिया। फिर टीए की भी वही सिचुएशन के टीए रखा है, तो ये करंट अर्निंग है। ठीक है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज है, और ये भी क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, बाकी की सारी डिटेल आप देख ही सकते हैं। और बेसिक सैलरी के आधार पर ये भी मैंने किया है, अगर बेसिक सैलरी 15,000 तक है तो 2% कटेगा मिलेगा, सॉरी टीए, और अगर 15,000 से ज्यादा है तो 2.5% मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, तो ये सारी डिटेल हमने दे दी है। अब हमें एंट्री करनी है, तो चलते हैं सीधा वी बटन प्रेस करके पेरोल वाउचर में। ठीक है, तो यहाँ से आगे F10 प्रेस करके, और यहाँ पे कंट्रोल F4 प्रेस करके सीधा आ जाते हैं पेरोल वाउचर में। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं, तो मान लीजिए इस बार हम कैश में सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ऑटो फिल करना है, पेरोल को क्या करना है, ऑटो फिल करना है। तो यहाँ ऑटो फिल पे आते हैं, और यहाँ पे हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सैलरी हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जा रही है, तो वो देना होगा। तो जैसे मान लीजिए हम दे रहे हैं 1/5, 1/4 कर देते हैं, 1/4/2024 से 31। अब देखिए 30 वाला डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि एजुकेशनल मोड है, तो यहाँ पे 1/5 कर देता हूँ मैं, बाकी तो सब आपको जहाँ पे एंट्री करनी है वहां पर 30/31 के ही हिसाब से करनी है। बाकी यहाँ पर इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये एजुकेशनल मोड है, और यहाँ पे बैंक से तो दे नहीं रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो यहाँ पे कैश कर देंगे। बाकी की डिटेल आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आया हुआ है। अब उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ से आप पे स्लिप भी जनरेट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।